नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के आप लोग के इस डेली करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आज है 23 अगस्त और आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज आप लोग 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब जानते हैं, कितना आप लोग अपडेट रहते हैं। तो आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में दिल्ली के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हो गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, शीला दीक्षित। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर यह बताना है किस राज्य सरकार ने चौथे आर्थिक क्रांति नेटवर्क के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF सेंटर के साथ द मेडिसिन फ्रॉम द इकाई यानी कि नामक पायलट परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा राज्य है आप लोग को बताना है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना। इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यह बताने कि भारत का पहला स्पेस टेक पार्क किस राज्य में स्थापित होगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय पर्याप्त रहेगा। तो सही जवाब है फिलहाल आपका ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम केरल। तो दोस्तों यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा तिरुवनंतपुरम केरल। अब देखते हैं फिलहाल फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया कि किस शहर को यहाँ पर रैक पिकर्स के लिए भारत का पहला गार्बेज कैफे मिलता है और उन्हें जो है प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो बताइए दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, वो कौन सा शहर है। तो ये आपका एक अंबिकापुर, आपका सरगुजा जिला और छत्तीसगढ़। ठीक है, सही जवाब है यहाँ से आपका डी वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। अब बात करते हैं वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का 5वां संस्करण जो है फिलहाल ये कहां पर आयोजित किया गया था, पंजाब, असम, नई दिल्ली या फिर त्रिपुरा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल। देखिए सिंपल सा इसका आंसर है, सही जवाब है आपका नई दिल्ली, सभी का पढ़ा हुआ है। ओके, इसलिए सिंपल था क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, फिलहाल यहाँ से आपका आंसर आएगा दिल्ली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना दिया गया HADR, तो इसमें जो है हाल ही में खबरों में था, यहाँ पर R का मतलब क्या है। आर का मतलब यहाँ पर आप लोग का रिलीफ है। चलिए दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताएगा यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर 2019 को यहाँ पर हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास 2019 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ पहले भी डिस्कस किया, मैं आप सभी से जानना चाहूँगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फिलहाल इसका जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा आप लोग का मेघालय राज्य में। तो यहाँ पर जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपको ये बता दें कि हैंड इन हैंड मिलिट्री अभ्यास इसमें कौन कौन से दो देश भाग लेते हैं। तो देखिए ये मैंने कल आपको बताया था, ये एक इसमें भारत है और दूसरा आप लोग का चीन है, तो यहाँ से आपका आंसर ए होगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग के विभाग ने जो है यहाँ पर राज्य में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये राज्य आप लोग का पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों सही जवाब होगा यहाँ से आपका सी वाला। इसके बाद देखें हमारा आज का 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मिशन के तहत ऑस्ट्रेलिया से आयातित भेड़ जो है ऊन विकास के लिए भेड़ प्रजनन कार्यक्रम का हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन। देखिए मिशन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। सही जवाब है आप लोग का यहाँ से राष्ट्रीय पशुधन मिशन, यानी कि बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल सचिन तेंदुलकर। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगर अभी से ही करंट अफेयर आप लोग प्रिपेयर करते चलेंगे तो बाद में आप लोग की करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करें दोस्तों जैसे कि दिया गया कि नीति आयोग के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2020-21 से कितने प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा। तो यहाँ से आपको बता दें फिलहाल इसकी बात करें तो 8%। ठीक है, तो सही जवाब आएगा फिलहाल आपका 8%। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की मीडिया ने पर्यावरण पत्रकारों का पहला नेटवर्क शुरू किया।
तो दोस्तों वो कौन सा देश है इसका नाम आपको बताना है, जिस देश ने यहाँ पर, जिस देश की मीडिया ने पर्यावरण पत्रकारों का पहला नेटवर्क शुरू किया है। ये फिलहाल आपका यहाँ से सही जवाब आएगा आपका सोमालिया, ठीक है, सही जवाब आएगा आपका यहाँ से सी वाला सोमालिया। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हाल ही में कितने महाद्वीपों के 7,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से आपका 6, सही जवाब आएगा दोस्तों यहाँ से आपका 6। चलिए अब आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की विकास दर 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कि डेटा से रिलेटेड होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जो है वर्तमान वित्तीय वर्ष 19-20 की विकास दर ये आपकी 7.2% से घटाकर जो है यहाँ पर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, यानी कि आपका आंसर आएगा ए वाला। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि के तहत किस देश ने अपने बाजार को और अधिक उदार बनाने की बात कही है। तो यहाँ से फिलहाल करेक्ट आंसर आएगा आपका डी वाला चीन। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने किस वर्ष, देखिए जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ने में आप लोग का समय लेता हूँ उतनी देर में आप लोग आंसर बता सकते हैं, जिससे कि दोस्तों कम टाइम में आप लोग के साथ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं इस प्रकार से। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने किस वर्ष से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाजा पर सभी लेन को यहाँ पर फास्टैग लेन घोषित करने का निर्णय लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपको बता दें सही जवाब है अभी आपका इसका 1 दिसंबर यहाँ से 2019, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर फिलहाल सी वाला आएगा। और अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देश भर में, जैसा कि मैंने टाइटल में भी क्वेश्चन आपको बताया कि देश भर में नेशनल मून डे ये निम्न में से किस दिन जो है मनाया गया है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन आज के पसंद आए तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस करंट अफेयर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी डेली अप टू डेट रह सकें। जितने भी यहाँ पर दिनचर्या के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं डेली आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, सही जवाब है आपका यहाँ से 20 जुलाई। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, 20 जुलाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों नेशनल मून डे ये आप लोग का किस दिन मनाया गया, ये मनाया गया 20 जुलाई को। इसके बाद देखते हैं हाल ही में तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो इसका नाम क्या है। तो फिलहाल ये जो है ये आपकी नाग है, ठीक है। तो फिलहाल हाल ही में जो है तीसरी पीढ़ी की यहाँ पर नाग स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, यानी जिसका भी आंसर फिलहाल सी आ रहा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को बिहार के किस जिले में यहाँ पर हस्तशिल्प और शिल्पकार हेतु शहरी हॉट स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है। ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया जा चुका है, कल भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिलहाल मधुबनी, सही जवाब है आपका। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को बिहार के मधुबनी जिले में यहाँ पर हस्तशिल्प और शिल्पकार हेतु शहरी हॉट स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है। इसके बाद दोस्तों ये अभी बहुत चर्चा में क्वेश्चन पूरे दिन रहा है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री का नाम क्या है जिन्हें अभी हाल ही में CBI के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बता दें करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका P. चिदंबरम, ठीक है। तो फिलहाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने पूर्व वित्त मंत्री जिनका नाम है P. चिदंबरम, इनको जो है फिलहाल INX मीडिया से संबंधित मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। चिदंबरम को अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तो CBI जो है फिलहाल P. चिदंबरम को कोर्ट में पेश करेगी और न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। तो यहाँ से फिलहाल आंसर आएगा आपका भी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो है किसे जो है कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया, नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सही जवाब होगा फिलहाल यहाँ से आपका राजीव गौबा। तो केंद्रीय गृह सचिव और 1982 बैच के IAS अधिकारी राजीव गौबा को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वे आप लोग के यहाँ पर PK सिन्हा की जगह लेंगे जो इस पद पर 4 साल पूरा करने के बाद कार्यकाल विस्तार के तहत काम कर रहे थे। इसके अलावा सरकार ने अजय कुमार को रक्षा सचिव, ब्रज कुमार अग्रवाल को लोकपाल के सचिव और सुभाष चंद्रा को रक्षा उत्पादन विभाग का सचिव नियुक्त किया है। तो ये क्वेश्चन आज का आज के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आज का क्वेश्चन पसंद आया है, देखिए करंट अफेयर की वीडियो तो आप लोग शेयर कर ही सकते हैं, कम से कम इतना तो दोस्तों कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।
अब देखिए फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य ने हाल ही में सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की है। तो सही जवाब है आपका यहाँ से ए, केरल। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया है। तो सही जवाब है यहाँ से क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ से आपका आंसर जो होगा ये होगा आपका सी वाला, उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट के अनुसार जो है आदेश की अवहेलना करने वाले पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, गौरतलब है कि इस आदेश से कुछ समय पूर्व योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने की मंजूरी प्रदान की थी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवार के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। तो दोस्तों सही जवाब आएगा फिलहाल आपका 15,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को F-16 युद्ध विमान बेचे जाने की मंजूरी दे दी है। सही जवाब है फिलहाल यहाँ से आपका ताइवान। और अब चलते हैं फिलहाल आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसा कि आपको दिया गया है कोलैबोरेटिव क्लीन एयर पॉलिसी सेंटर, ठीक है, तो इसके द्वारा जो है प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक किस देश में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण जो है घरों में ठोस ईंधन को जलाना है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा फिलहाल डी वाला, भारत। और इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मच्छर दिवस आप सभी लोग जानते हैं ये मनाया जाता है फिलहाल आपका 20 अगस्त को। ओके, तो यहाँ से फिलहाल करेक्ट आंसर आएगा 20 अगस्त। और अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, भारत और जाम्बिया में हाल ही में रक्षा सहित कारोबार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कितने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कितने MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ से आपका सही जवाब आएगा 6, ठीक है। और फिलहाल अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया। तो अभी मैंने आपको बताया, सही जवाब है आपका अजय कुमार। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं पसंद आए हों या फिर नहीं आए, सबसे पहला काम यही है कि याद कर लीजिएगा। दूसरा काम इतना है, अगर आप लोग चाहते हैं BSC ट्रिकी क्लासेस इसी तरीके से आप लोगों के लिए कार्य करता रहे ईमानदारी से, तो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही कल फिर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो भी डेली बेस के रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर अभी से पढ़ते हुए चलेंगे तो बाद में आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए आप लोग भी दूसरे लोगों को समझाइए, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक सही गाइडलाइन मिल सके। ओके, तो फिलहाल अभी इतना ही, फिर मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।